के प्रथम करी हरी माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी, और प्रथम करी हरी माखन चोरी। अब भगवान यहां बैठे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि जो माखन चोरी की लीला है अत्यंत रसमय लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इस लीला के दर्शन यशोदा मैया तो कभी नहीं कर पाएगी, उनको तो हमेशा शिकायत सुनने को मिलेगी, वो तो कभी नहीं देख पाएगी। तो ऐसा क्या करूं कि पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें? तो भगवान सोचते हैं, भगवान कहते काम करते, पहली चोरी घर से करते। घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं? देखिए, ऐसे जो भी बच्चे हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, भगवान पाप देते हैं, बिल्कुल भी चोरी नहीं करना कभी भी। लेकिन चोरी करने के लिए दिमाग चाहिए। एक अच्छा चोर कौन है? जो कभी पकड़ा ना जाए, पकड़े गए तो फिर क्या चोर। तो भगवान सोचेंगे क्या पता चोरी करूं, पकड़ा गया तो सब बार यही कहेंगे जब चोरी करनी आती नहीं तो करी क्यों, और घर में पकड़े गए तो सोचते पहली चोरी घर पे करते हैं। तो उस वक्त ही माखन दूध दही का काम चलता, तो हर घर में जो भी माखन दही का काम करते थे उनके घर में एक छोटा कमरा हांडियों का होता था, उसमें माखन रखे जाते थे, बड़ी बड़ी हांडियां पड़ी होती थी, उसी में सारा काम होता था। तो भगवान के घर में भी कमरा है, तो भगवान दोपहर के समय उस कमरे में जाते हैं। दोपहर के समय सब सो रहे होते थे, वो जाते हैं, मटकी पड़ी है उसको अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, तो नवनीत निकालते हैं और भोग जैसे ही लगाने वाले हैं कि भगवान की नजर उनके ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ था। कांच माने दर्पण, शीशा, वैसा कांच सामने रखा हुआ था। अच्छा, नोट, भगवान ने कभी भी कांच देखा नहीं आज तक, उनको पता नहीं है शीशा होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको। सामने शीशा रखा है, जैसे ही भगवान की नजर उस पर पड़ी, भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। भगवान उसको समझाते हैं, भगवान कहते देख तू भी छोरो, मैं भी छोरो, तू एक काम कर, मैया से कुछ मत कहना, क्योंकि ये जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तो ये भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान कहते ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया, भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते अच्छा बात है, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। यशोदा मैया पीछे से सब देख रही है कि कैसे भगवान कांच के सामने अपने आप से बातें कर रहे हैं, उनको बड़ा प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब उन्होंने आवाज लगाई, कन्हैया। भगवान डर गए, यशोदा मैया कमरे में आती है, अरे यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि पहली बार भगवान माखन के कमरे में आए हैं, अभी तक माखन चाहिए होता तो किसी सेवक से कहते थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, किसी से भी कहते कि मुझे माखन खाना है, खुद कभी नहीं जाते थे। तो मैया कहती यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते मैया मोहे माखन को लोभ ना है, देखिए वो खुद ने चोरी की है ना, डर लग रहा है, वो सामने वाले पे कैसे भरोसा करे, साथ दे ना दे, तो उन्हें लग रहा है वो कुछ कहे इससे पहले मैं ही कह दूं।
भगवान कहते कि मैया मोहे माखन को लोभ नाए, पर मैंने सोचा कि मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आयो। अच्छा तो कर ली रखवाली। बोले नहीं मैया, मैं जैसे ही कमरे में आयो मैंने देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहती अच्छा तो तूने उस छोरे से कुछ कहा नहीं? बोले मैंने कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तू मैया से मांग ले। पर मैया मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया कहते अच्छा कहाँ है वो छोरा, दिखाना। तो भगवान यशोदा मैया को खींच के लाते कांच के सामने खड़े होकर, ये देखो ये रो छोरो। मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? तब उनको उन्होंने गोद में उठाया। अब देखिए फोन इत्यादि अब आए हैं, कैमरा अब आया है, तब पता चलता है व्यक्ति को कि हम दिखते कैसे हैं। पर मान लीजिए अगर किसी ने कभी कांच नहीं देखा है और ये सब नहीं था तो उसको पता ही नहीं होगा वो खुद कैसा दिखता है। लेकिन भगवान यशोदा मैया को तो रोज देखते थे, तो यशोदा मैया ने खुद सामने आकर भगवान को गोद में उठाया और कहा कि देख तू अपने आप को नहीं पहचानता, मुझे पहचानता है? बोले हाँ। तो बोले उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता का चेहरा एक कैसे हो रहा है वहां पर? तो भगवान कहते ये कैसे? मैया कहती इसको दर्पण कहते हैं, इसमें हम खुद का ही प्रतिबिंब देखते हैं। और ये समझाने के चक्कर में क्या होता है क्या नहीं होता ये चोरी की बात खत्म ही हो गई। यशोदा मैया भूल गई कि क्या करने आया था कमरे में, और वो जाके सब ब्रजवासियों को अपने पड़ोस वालों को बता रही कि आज कन्हैया ने कितनी प्यारी हरकत की है। और भगवान की नजर में उनका जो पहला प्रयास था चोरी का वो विफल हो गया, क्योंकि वो भोग लगा नहीं पाए।